अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और अभी जा रहे हैं जी, बैलों की दौड़ है, ठीक है जी, वहाँ जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे जी। मेला लगा हुआ है पीर हयल कयल, ठीक है जी, और दरबार पे अभी जो हम रास्ते से आए हैं, रास्ता बहुत बुरा था जी, दूसरे रास्ते से आना था लेकिन पता नहीं था, ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, हम पीर हयल के ये दरबार के करीब पहुँच चुके हैं, और जो कि इस साइड पे लगा हुआ है, तो अभी रास्ते देखेंगे कहाँ से जाना है, ठीक है जी। बैलों की दौड़ है वहाँ पे कि ये दरबार है सामने, सबसे पहले तो दरबार पे ज़ियारत करते हैं, उसके बाद जाएंगे आगे, ठीक है जी, फातिहा खानी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों, अभी आ चुके हैं जी दरबार के सामने, और यहाँ पर आगे जाकर जूता उतारेंगे इंशाल्लाह, अंदर हाज़िरी देंगे जी, ठीक है जी। पैर पलंग कवाली वगैरह गा रहे हैं जी, और अभी जाते हैं जलसे की तरफ, जलसा गा के साइड पर पूछते हैं भाई जान, जलसा गा के साइड दे रहे, जलसा गा हाँ जी, तो जलसा है दादा एक रहा है सड़क है। हाँ जी दोस्तों मेले के अंदर एंटर हो चुके हैं, और अभी जाकर आपको दिखाएंगे, ठीक है जी, झूले वगैरह बच्चे वाले भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो शराब की चोटियाँ वगैरह होती हैं वो भी रखी हुई हैं। हमने तो असल जलसा गाह की तरफ जाना है जहाँ पे बैलों का जलसा है, ये आप देख सकते हैं खिलौने वाली दुकानें भी बनी हुई हैं। जलेबियाँ वगैरह भी बन रही हैं, देखें जी, सर्दी में जूस भी है, अभी तो ठंड आ चुकी है। हाँ जी दोस्तों, अभी जलसा तो हो चुका है ख़त्म, लेकिन जाके वहाँ चेक करते हैं क्या मौत, ठीक है जी, क्या मंजर है। हम तो वही देखने आए थे जी, ठीक है जी, और दरबार पे चलो ज़ियारत हो चुकी है हमारी, उसके बाद हाँ जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये भी दरबार का गेट है, ठीक है जी, हज़रत बाबा हयल कयूम, ठीक है जी, और अपने दोस्तों
दोबारा जा रहे हैं जी वापसी। ब्रेसलेट लेना भाई, इसमें सादा पड़ा इसमें ब्रेसलेट। कोई इसमें अच्छा दिखाए ना, कलर कर जाता है, थोड़ा सा अच्छी चैन दिखाए। नहीं ये तो गोल्डन है, ये रंग उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा। इसमें हाँ जी दोस्तों, जलेबियाँ तैयार हो रही हैं जी, मेले पे स्पेशली जलेबियाँ तैयार की जाती हैं। अभी दूसरी साइड पर ये चास में से निकाली जा रही है। मैदा भी देख सकते हैं कि काफी कढ़ाई में भरा हुआ है, बिल्कुल फुल कढ़ाई भरी हुई है। रमजान मिसल सेंटर दरबार बाबा हाजी शेख चौहान इसमें डालेंगे। और ये चीनी की चास बनी हुई है, इसमें डाल कर और इसे फिर निकाल देंगे बाहर। आप देख सकते हैं कि निकल आई, अभी ये जलेबी जो है तैयार हो चुकी है। ठीक है आगे चलते हैं जी। अरे कि काले मोती ने नार का जूस पी के याद कर दे लोकी ने। अभी यहाँ टोपियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ठीक है जी, सिंधी बरियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं। तो हाँ जी दोस्तों, कल है जी कबड्डी, और कबड्डी पे हम शायद आ सकें या ना आ सकें। ठीक है जी, तो आज के व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। नए व्लॉग में जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी दोस्तों, ये झूला चल गया जी कश्ती, और ये आपके सामने है। अभी हम जा रहे थे तो हमने कहा कि इसको थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमेशा वीडियो को मुकम्मल देखा करें कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे रह न जाए। ठीक है जी, हम जा रहे हैं।
एंड द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।